नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज की एक और खास खबर में। बीते कई दिनों से गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते 2 जून तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसी भी व्यक्ति के बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति को घुटन महसूस हो या अचानक तबियत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, साथ ही रूम के अंदर दरवाजा खोल कर रखे ताकि वेंटिलेशन ना रहे, तो वहीं मोबाइल का प्रयोग भी कम करें, क्योंकि ऐसे में मोबाइल फटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कृपया सभी सावधान रहें और लोगों को भी सूचित करें, और दही, छाछ, बेल का जूस जैसे ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 47 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ते तापमान और बादलों की उपस्थिति के कारण अधिकांश क्षेत्रों में दम घोटू माहौल होने के कारण कुछ चेतावनियां और सावधानियां भी दी गई हैं, जिसमें गैस सामग्री, लाइटर, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, उपकरण, बैटरियां, कार की खिड़कियां थोड़ी खुली होनी चाहिए, कार के फ्यूल टैंक को पूरा ना भरें, शाम के समय कार में ईंधन भरें, सुबह के समय कार से यात्रा करने से बचें, कार के टायरों को ज्यादा ना भरें, खासकर यात्रा के दौरान। बिच्छुओं और सांपों से सावधान रहें, क्योंकि वो अपने बिलों से बाहर निकलेंगे और ठंडी जगहों की तलाश में पार्क और घरों में प्रवेश कर सकते हैं। खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं, सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर को धूप में ना रखें, सुनिश्चित करें कि बिजली मीटरों पर अधिक भार ना डालें और एयर कंडीशनर का उपयोग केवल घर के व्यस्त क्षेत्रों में करें, विशेषकर अत्यधिक गर्मी के समय में, और 2-3 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट जरूर लें। बाहर 45 से 47 डिग्री तापमान में घर पे एसी 24 से 25 डिग्री पर ही चलाएं, सेहत और तबियत ठीक रहेगी। सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचे, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज के साथ। नमस्कार।